जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत जमुनिया कला में बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से 14 व्यवसायिक दुकानों के निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व में भी कई बार हंगामे हुए। बीते कल यानी कि रविवार को सरकारी छुट्टी होने के बावजूद आनंद फानंद में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया कर दी गई, जिसकी खबर मिलते ही एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। वही जनपद सदस्य ने बताया कि सरपंच सचिव एवं CEO मैडम द्वारा बंद कमरे में बैठकर उन दुकानों को गलत तरीके से आवंटन किया गया, जबकि अभी इन दुकानों के संदर्भ में ग्रामवासियों द्वारा एक जनहित याचिका न्यायालय में चल रही है, जिसमें 8 तारीख थी। लेकिन उससे पहले ही कल रविवार के दिन अचानक से दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया कर दी गई, जो कि गलत है। इससे ग्रामवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है और ग्रामवासियों का कहना है कि जल्द ही इसका निराकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं इस बारे में सरपंच विनोद जायसवाल का कहना है कि ग्रामवासियों का आरोप निराधार है। दुकान नीलाम प्रक्रिया पूरे ग्रामवासियों की मौजूदगी में की गई है। कुछ लोग जलन भावना के कारण मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब हमने ग्राम के सचिव और CEO मैडम से संपर्क कर जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मंदसौर गया था, मेरे कहीं प्रोग्राम था आपसी, उसके लिए प्रोग्राम हुआ। ना सचिव द्वारा बताया गया भाई कोई है, मैं रुक जाता सर। अब अपना काम है या झाड़ू निकालना, साफ सफाई करना, अगर ये बोलते तो मैं रुक जाता सर। यहाँ सर ये सिस्टम कोई जानकारी नहीं है मेरे को। सचिव महोदय चाबी देके बोले कि जो अंदर साफ सफाई करना है, कुर्सी वगैरह इधर से उधर रखी हुई है सब साफ सफाई कर लो, चाबी देके चले गए सर। और मैं साफ सफाई कर दी बस। सचिव महोदय कहाँ गए? सचिव महोदय ने बताया मैं अभी गांव में कोई काम से गांव में जा रहा हूँ, और आप साफ सफाई कर देना सर। कि ये जो पंचायत भवन है जस्ट मेरे दुकान के सामने है, मैं 5:30 बजे दुकान खोल देता हूँ, और पंचायत में जितनी भी गतिविधियाँ होती है मैं सब पे नज़र रखता हूँ। कल ऐसा ही हुआ कि मंत्री साहब सुबह 8:30 बजे यहाँ पंचायत में आए, तो मैंने मंत्री साहब से पूछा, मैंने कहा मंत्री साहब आज बहुत जल्दी आ गए क्या, आज कोई विशेष प्रोग्राम है क्या? तो बोले कि नहीं यार। मैंने कहा कभी पंचायत की लीलामी हो तो इसमें मेरा भी थोड़ा दुकान लेने का इच्छा है, तो थोड़ा बताना यार कब तक है लीलामी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 24 तारीख को लीलामी है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो अपन 24 तारीख की लीलामी दिन में गए तो कल हो गई है, अपने को पता नहीं। मंत्री साहब से मैंने पूछा तो ये क्या अचानक हो गई यार, मैंने कहा ठीक है हो गई अचानक। हम लेके आया था तो उस समय 7 दुकानें लीलाम हो चुकी थी, कोई ना तो कोई जानकारी मिली ना कुछ भी नहीं। मेरे द्वारा हरीश जी रावल ने मेरे को फ़ोन करा, मैं नीमच था, तो नीमच से पेमेंट लेके ATM से लेके आया, और जब मैं फार्म वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लेके आ गया तो मैडम ने मना कर दिया कि फार्म अब नहीं लिए जा रहे हैं, सब मतलब कैंसिल कर दिए। इस बारे में कुछ बताया नहीं कि मैं जो अंदर जो सर थे ना उनके साथ में कि फार्म नहीं लिया जाएंगे, अब ये जिनका फार्म है वही बोली लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई बोली नहीं लगा सकते। पास ही मेरी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है ग्राम पंचायत के पीछे, सामने मेरा मकान है। तो कल सुबह CEO मैम आई थी और ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच सभी यहाँ लोग आए हुए थे, और कुछ आवक जावक देखी तो मैंने कहा भैया संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, क्या स्थिति है पता करा। तो आया मैंने क्या सरपंच साहब से पूछा, मैंने कहा हाँ जी आज क्या स्थिति है, तो पता कर रहे हैं, बोले कि आज दुकानों का आरक्षण हो रहा है और आरक्षण के आधार पर अगली 2 मार्च को दुकानों की नीलामी होगी। तो मैंने कहा यार जब सरपंचों का कार्यकाल ही अब मात्र 13 तारीख तक रहा है तो 2 मार्च का क्या फंडा। मैंने दूर दूर से जानकारी एकत्र करी तो पता चला कि सरपंच साहब अपने अपने मित्र अपने परिचितों से आवेदन ले रहे हैं और आवेदन करवा के, और आज दुकानों की नीलामी होनी है। तो मैं भी आया, मैंने सरपंच साहब सही साठ बात बताई है कि भाई दुकानें नीलाम होनी है। तो बोले हाँ नीलामी हो रही है तो आप एक काम करो, अगर आपको वास्तविक में दुकान लेनी है, मैंने कहाँ लेनी है, तो बोले लाओ 51,000 रुपये सही दो इधर बंद कमरे में एक साइड। मैंने कहा सही किस बात की, आपने तो वहाँ विज्ञप्ति में तो ऊपर 15,050 रुपये जो 5% राशि है जमा करनी वही है। तो बोले आपको लेनी है, तो फिर मैंने जानकारी ली तो मैंने कहा नहीं मैं तो आवेदन करूँगा अंदर, मैडम बैठे हुए हैं। मैं ताबड़तोबड़ में अपने पेपर डॉक्यूमेंट लेके आया और मैंने अपने पेपर लगा के आवेदन दिया, 15,050 रुपये की राशि जमा करवाई। तब तक 2-3 दुकानें जो आरक्षित थी ऑलरेडी ST SC कोटे की वो नीलाम हो चुकी थी सरपंच साहब के सेटिंग से पूर्णतया। और मैं गया तो फिर मैंने पिछले की बोलियाँ लगाई, मैं पिछला वर्ग से हूँ तो 2 दुकानें पिछला वर्ग की थी, तो मैंने दोनों की बोलियाँ लगाई अपने स्तर पर। दुकानें इस वजह से वो 6 से 7 लाख के ऊपर बिक गई, वरना वो दुकानें 4-4, 4.5-4 लाख में जाती और बाकी सेटिंग से 6-6.5 लाख रुपये में सरपंच साहब बेच चुके थे। नीलामी नहीं हुई है, जनपद लेवल से विज्ञप्ति जारी की गई थी और जनपद के अधिकारियों द्वारा ही ये नीलामी की गई है। देखो मैं एक सहायक सचिव हूँ, मेरा सहायक सचिव ऑनलाइन से रिलेटेड काम है, और जो भी विज्ञप्ति वगैरह जारी की गई वो जनपद लेवल पे और जनपद के CEO अधिकृत है उसके लिए, और उनके द्वारा जारी की गई थी और मार्गदर्शन में विज्ञप्ति जारी की गई है। ये उस दिन का अखबार में देखा जाए, और वास्तविकता है ये कि जनपद CEO और जनपद के अधिकारियों द्वारा ही नीलामी के अधिकृत CEO है और उनके द्वारा जारी किया गया है। हाँ ग्रामीण लोग यहाँ पे थे और नीलाम बोली लगा रहे थे। यहाँ पे दुकानें जो दुकानें मतलब नहीं
लोगों को सूचना नहीं दी गई और अंदर बंद कमरे में बैठकर और इन दुकानों की नीलामी की गई है, ताकि लोगों को अगर झंडा वंदन या कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो पूरे गांव में सूचना दी जाती है। और मैं जनपद सदस्य हूं, पर मेरे को भी इस चीज़ की सूचना नहीं है, पर मैं तो मेरे इस चीज़ का विरोध करना चाहती हूँ। यहाँ देख रहे हैं, ये जमुनिया कला ग्राम पंचायत में 14 व्यावसायिक दुकानें बनी है। जो देखा जाए तो सबसे पहले ये दुकानें ही अवैध है। अवैध का ये कारण है कि ये खेल मैदान था और खेल मैदान पर दुकानों का निर्माण हुआ। इन निर्माणों की सबसे पहले तो नहीं कोई अनुमति ली गई, बिना अनुमति के इन दुकानों का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बावजूद गाँव वालों ने जनहित याचिका दायर करी थी, जो जनहित याचिका कोर्ट में विचाराधीन है, और आज 10 तारीख को उसकी सुनवाई थी। लेकिन कल दिनांक 9 को आनन फानन में रविवार का दिन था, पंचायत बंद थी, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई विज्ञप्ति, कोई सूचना किसी प्रकार से गांव में नहीं की गई। उसके बाद में गुपचुप तरीके से कल जनपद सीओ और सरपंच जो कि खुद भूमि माफिया है और प्रॉपर्टी ब्रोकर से जिसकी नज़र इस बेशकीमती ज़मीन पर थी, उन्होंने आकर कल इस बंद कमरे में बैठकर इस फर्जी प्रक्रिया जो दुकानों की थी इसको किया और अपने मिलने वालों को और अब जो उनको दुकानें आवंटित करी और पूरे गांव को इस सबसे वंचित रखा गया दुकानों के आवंटन से, और किसी को कोई जानकारी नहीं। सचिव द्वारा लोगों को ये गुमराह किया गया, जब लोग आए कि भाई आज क्या हो रहा है यहाँ पंचायत में हलचल संडे के दिन, तो लोगों को गुमराह किया गया कि आज तो कृषि मेला है और कोई शिविर है, और ऐसा किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई कि आज दुकानों का आवंटन है। जब गांव के हमारे जैसे भाई कुछ फार्म लेके आए कि साहब हमें जानकारी मिली कि दुकानों का आवंटन, तो इनके फार्म भी नहीं लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपये का सरकार को चूना लगा के और ये लोग अपनी दाल पका रहे हैं। इसमें हमारा विरोध ये है कि ठीक है, सबसे पहले तो इन दुकानों की जांच की जाए कि ये दुकानें किस मत से इन दुकानें बनी, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है पंचायत में इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से मत से इन दुकानों का निर्माण हुआ। मतलब कि सरकारी ज़मीन पर निजी पैसों का उपयोग किया गया, जिन लोगों को दुकानें देना थी उन लोगों से पैसे लेकर इन दुकानों का निर्माण किया गया, और एक सुनियोजित तरीके से कल ये दुकानें उन्हीं लोगों को अलाटमेंट कर दी गई, जो गलत है। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो और ये जो कल आवंटन की प्रक्रिया रही ये निरस्त की जाए और पूर्ण वापस शुरू से आवंटन की प्रक्रिया खुलेआम सार्वजनिक रूप से की जाए। नहीं, मेन दुकानों का जो मामला आप जो बता रहे हो ये सब नीति नियम